हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अलवर में प्रधानमंत्री मोदी ने भरे हुंकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर में बीजेपी के पक्ष में प्रदेश का मिजाज बताया। उन्होंने पौने घंटे से अधिक लंबे भाषण में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार की तारीफ भी की तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर भारत माता की जय तक के मुद्दों पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा। अलवर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 2013 में भी अलवर से यात्रा शुरू हुई, अब फिर से चुनाव यात्रा की शुरुआत हुई है। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर जो लोग कभी एक को जिताते हैं कभी एक को, वो देख ले राजस्थान का मिजाज। भाजपा सरकार के विकास के मंत्र को हर एक देख रहा है, भाजपा की विकास यात्रा को सब देख रहे हैं। अलवर का मिजाज नामदारों का अहंकार चकनाचूर कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर बहस करने की हिम्मत भी खो चुकी है। वसुंधरा जी के कामों को याद करने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के भीतर की जंग के बीच जाति मुद्दा बन जाता है, मोदी की जात का मुद्दा बनाते हैं। राजनीति को जातिवाद के तराजू से चलाएंगे क्या? मोदी ने कहा, कांग्रेस का मूल स्वभाव प्रकट होता है तो यह बातें झलकती है। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया, बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक ही पीढ़ी के चार लोगों को भारत रत्न दिए, बाबा साहब को नहीं दिया। मंडल कमीशन की चर्चा में राजीव गांधी ने जहर उगला था, वो आज भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंज रही है। ओबीसी कमीशन में कांग्रेस ने रोड अटकाए, बड़ी मुश्किल से पास करवाया। नामदारी के नाम पर ही सब होता है। गुजरात चुनाव में भी मेरी जात को लेकर बातें की, लेकिन लोगों का गुस्सा देखा तो पार्टी से उस नेता को कांग्रेस ने बाहर किया, लेकिन बाद में उसे वापस लिया गया। अलवर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।